الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اولياء امته اجمعين اما بعد برادران تاريخ برادران اسلام سامعين الكرام गुजशत दर्श में बाबिक्र बा, अहल सुफा आया भी और ख़त्म भी हो गया उसमें ज़्यादातर साब सुफा के नाम ही नाम थे कुछ हिस्सा इससे पहले गुज़र गया था उसका बयान उन्होंने किया अब आप अब जो बाब है फ़ेजिक्रमती मिनत ताबाइन ताबाइन रजवानल अलैहिम मजमाइन का बाब है असाब शफ़ा के बाद ताबाइन का तस्करा अब शफ़ा से पहले अहल बैत का तस्करा था इस पर तरतीब पर ख़ास नज़र रखने की जरूरत है। अब तबिन तबैन में भी बहुत बड़ी तदाद है तबाही तावाई, ताबीन की रजवानल आजमाइन लेकिन आपने तबइन का जब तस्करा शुरू किया तो ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरबियत याफ़्ता नहीं हैं सोहबत याफ़्ता भी नहीं है आप सोचते होंगे फिर ताबई कैसा है ये ओज से करनी रजी अल्लाह ताल हजूर पाक सल्ला वजरतु उमर रजील हजरतली से फरमाया कि कर्न में ऐसा ऐसा शख्स है जाओ उससे मुलाकात करो तस्करा आ जाएगा तो जैसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत है शाब रसोल्ला हैं उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को पाया आपका ज़माना पाया अगरचे कि इसद ख्वाजा वैसे खर्मी रज़ील उन्होंने हुजूर का ज़माना पाए हैं लेकिन मुलाकात नहीं हुई है आइए चलते हैं दाता गजम क्या फरमाते हैं आफ्ताब उम्मत व शमदीन अब तक जितने अलखाब आए थे असाब वसल्लम के अहले बैत के में जो अलखाब आए उससे अलग है ये आफ्ताब उम्मत तो सारी उम्मत के लिए आपकी ज़ात आफ्ताब की तरह है जो सारी उम्मत को त़्यामत रोशनी पहुंचाते रहेंगे वो रोशनी हिदायत की रोशनी राह की रोशनी या ये भी है कि उस आफताब की रोशनी राहरास चलने वालों के लिए है रोशनी सबके लिए है लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पे है शम दीन दिन की शमा शम दीन व मिलत दिन की और मिल्ल की शमह है ओस अलकर रज़ियन अस की बार मशाख़ अहल तद बस जमाना अब साहबा अहल बैत का गुज़रा ये जो अहल शफ़ा का तस्करा आया इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं और अहले सुफा मस्जिद नबोई में जो सुफा है जो चबूतरा है उस पर बैठने वाले दिन रात इबादत के लिए हाज़िर रहने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहना बाद फ़राज़ वाजिबात के सबसे बड़ा उनका काम था अब इनके बाद में जो ताबइन का तस्कर लाए हैं तो वैसे खरीन रज़ी उन्होंने को लाए हैं चलते हैं किबार मशाख अहल बूद अहल तस्व के जो मशाइ बड़े मशाइ हैं उनमें से हैं अंदर आहद रसोल्ला सल्ला व् बूदे जो हजूर पाक सल्हुस के ज़माने में मौजूद थे अम्मा ममनू गश्त लेकिन उनको मना किया गया मन, मना हो गया वो ममनू कर दिए गए अस दीदार पैगम्बर सल्लम हजूर पाक सल्लेम के दीदार से उनको रोक दिया गया जियारत हजूर की नहीं कर सके व चीज, दो चीज़ दो चीज़ों की वजह से दो वजूहत से एक ही बलब हाल जिसको हम यहाँ पे गलब हाल भी कहते हैं जज्ब भी कहते हैं और फ़्याम में एक सबब यह है दीगर हक़ वालद वालद उनकी वालद ग्रामी का हक़ वो पैग़म्बर सल्लम गोफ बारज़ी हम हज़ुर पाक ने अपने सहाबा से ख़ास तौर पर इर्शाद फरमाया मरवी अस रवायत है कि असकर्न अवैस नाम कर्न से एक शख्स जिसका नाम अवैस है कि ऊब्यामत के वो वोमत के दिन हम चंद ने रबी मज़र शफात खद बोल कि ये शख्स जो वैस है क़ैमत के दिन रबी कबीला और ख़बीला के जो बकरियां हैं भेड़े हैं उनके जो बाल हैं उनके बराबर शफात करेंगे या सिर्फ़ घुस्ंदों का लफ्ज़ आया लेकिन उनके खाल का या वो बालों का तस्करा इसमें नहीं आया है आदि इसमें मौजूद है अब इसमें दो बातें बयान की जाती हैं एक बात तो ये है रबिया मुजर के पास जो बकरियां थे लातदात थे एक बकरी के बाल गिनना खुद मुश्किल काम है नहीं गिन सकते कैसा गिनेंगे इतने हज़ारों बकरियां दोनों कबीले के फिर उनके बालों के बराबर शिफात ये कितना बड़ा हजूर पाक से अगरच मुलाकात ना हुई अंदर उम्मत अमन मेरी उम्मत में हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मत में अब इस नाम का एक शख्स है जो ख़ैमत के दिन रबिया मुजर के बकरियों के आ, बालों के बराबर मेरी उम्मत की शिफात करेंगे ये फरमाया वरूब उमर व अली ये कर कद रज़ीम यह फरमा कर हज़रतमर वजरतली रज़ी अल्लाम की तरफ मुतवज़ हुए वो गुफ़्त और फरमाया शुमा और बी नीत तुम उनसे मिलो तुम लोग जाकर उनसे मिलो अंदर शुमा और बी नीत व वह वही मर्दिस वो एक शख्स है एक मर्द है पास्त पश्दान दरमियानी पास्त दरमियानी है बाला शारानी उनके बाल लंबे लंबे हैं और पहलुए चप, पहलु चपे वही एक चंद दरम सपकी आस उनके पहलू पर डावे पहलू पर लेफ्ट थाई पर समझ लीजिए एक दिरम के वैसी सफीदी है और बीशीस उससे बड़ी नहीं है और बरकफ दस्ता शाम चुनान और आपके हाथ पर भी ऐसी ऐसा ही सफेद एक जरम के बराबर धब्बा है वैराब आदतफंद रबी मज़र शफात बाशद और उनके हाथ से अल्लाह ताला अब यहाँ पे महजूफ़ है वह तो बात है रबिया मुजर के भेड़ों बकरियों के बालों के बराबर शफात अल्लाह ताला ने दी है उनके ज़रिए से अंदर उम्मत मान मेरी उम्मत में चुन बे बेबीनी दैश जब तुम उनको देखो दोनों से कह रहे हैं उमर फारुकली से से तुम जब उनको देखो सलाम बेदुब रसानी मेरा सलाम उनको पहुंचाओ क्या मुकाम है क्या मरतबा है कि आपकी तरफ से सलाम उनको पहुंचाया जा रहा है वे बिगुई बेगुदौर उनसे कहिए जब मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाना और उनसे कहिए कि उम्मत है मरा दुआ खोना ताकि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें बहुत सी बातें हैं मैं किसी जहन को उलझने नहीं दूंगा इंशाल्लाह क्या हज़ुर पाक उम्मत के हक हाँ में कितनी दुआएं की हैं रातों रोते थे गिर औजारी फरमाते थे अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे उम्मती उम्मती आपका कहना पैदाइश के साथ ही जो शुरू हुआ तो हजूर पाक वसल्लम के इस दुनिया में जो आखिरी वक्त आखिरी सांसें थीं उस वक्त तो यही फरमा रहे थे इसके बाद में हज़रत वैसे करन ये रजी अल्लाह तु से दुआ कराने कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो तो इससे क्या साबित होता है फिर उनसे शिफात की दरख्वास्त है अब और कीजिए अच्छी तरह सोचिए खसूस वो लोग सोचें जो शफात के मौजूक़ को भी जिन्होंने माज़ल्ला कंट्रोवर्सियल बना दिया वजह अख्तिलाफ बना दिया सोचो रू ज़मीन पे ये वाद शख्सियत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शफात की दुआ करवाई यहाँ आपका मुखाम और मरतबा बतलाना मकसूद है बाद में आपका जो अमल और आगे आ रहा है वो भी बयान होगा हजूर पाक वसल्लम का सलाम पहुँचाने की खिदमत इनको मिली जो खलफा राशिदीन है कितना बड़ा दर्जा है लेकिन आपको मिलने के लिए भेजा गया अब यहाँ पर हम कई बातें यहाँ यहाँ से निकाल सकते हैं और के पास जाना इरादे से जाना एक है और हज़ूर सल्लम का भेजाना और है हम हम यहाँ किसी वली के पास जाते हैं किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं तो सैकड़ों इल्ज़ाम जड़ दिए जाते हैं यहाँ हुजूर ने रवाना फरमाया यहाँ एक और कंफ्यूजन आता है पैदा किया जाता है कि उनकी जिंदगी में उनको भेजा गया मरने के बाद नहीं भेजा गया इंतकाल के बाद नहीं भेजा गया यहाँ हम ये यह कह सकते हैं सिर्फ दो जुमलों में बात मुकम्मल करूंगा वली अल्लाह का दोस्त किसका दोस्त है अल्लाह का दोस्त है दोस्ती की यह शर्त बताई गई कि हम जिन्सी होना है यानी इंसान इंसान में दोस्ती है जिनों जिनों में है मलायका में दोस्ती है जानवरों में जो है देखो बकरियों बकरियों के दरमियान दोस्ती है बकरियों की दोस्ती गाय से नहीं होती गायों की दोस्ती बकरियों से नहीं होती हम जिन्स चाहिए तो यह अल्लाह से दोस्ती अरे ये मखलूक है कल्पना हो जाने वाली है इस मखलूक को मौत है इसको फौत है इसको दफन है इसको कफन है इसको दफन है अब जो इफराती जिनको है इफराती का मतलब एक्सट्रीमिस्ट जिसका एग्जैक्ट लफ्ज़ इफरात के तो कई माना हो सकते हैं इफरात के माने ज्यादा भी होते खाना बहुत इफरात था दावत में यानी लोगों से ज्यादा था और लोग सौ पचास खा सकते थे मगर यहां पर इफरात यानि एक्सट्रीमिस्ट दीन में एक्सट्रीमिस्ट दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट शिद्दत पसंद और दूसरे माना भी हो सकते हैं आ, तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो दिन में फसाद पैदा करना चाहते हैं ऐसी बहसें वो करते हैं हुजूर ने उनको रवाना किया दोस्त के पास भेजा किसके दोस्त के पास अल्लाह के दोस्त के पास भेजा हम किसी से हमारी दोस्ती है हम उसके पास जाएं या वो हमारे पास आए हम गवारा नहीं करते कि उसके पैर को ठोकर भी लग जाए उसको कोई जरर पहुंच जाए ये हम मुसलमानों में नहीं गैर मुसलमानों में भी ये बात है जब दोस्त होता है तो उसका ख्याल रखा जाता है दोस्त माने उल्फत और मोहब्बत उसमें होती है अब आप इस पे गौर करके बोलिए कि अल्लाह ने दोस्त बनाया एक सूरत एक सूरत हमने अल्लाह को दोस्त बनाया हमने अल्लाह को दोस्त बनाया और अल्लाह ने दोस्त बनाया इनको दोनों में फर्क है अल्लाह वली आमन अल्लाह उनका दोस्त है दोस्त तकलीफ पहुंचने देता मर के मट्टी में मिलने देता वो मारना उसको मौत देना दोस्त को अपने खरीब बुलाने के लिए है मार के मट्टी में डाल देना मिला देना नहीं है हड्डियाँ जल गए वो सब माजल्ला हड्डियाँ जल गए नहीं बोलते वैसा लोग हड्डियाँ जब मट्टी में मिल गए होंगे वो फला हो गया होंगे कैसा जाते वली की हयात और ममात हयात में मिलना बाद वफात मिलना दोनों बराबर है हम जूर ने इरशाद फरमाया मंजार ख़बरी वजबत लो शफ़ाती जिसने मेरी खबर की जियारत की उस पर मेरी शिफात वाजिब हो गई जिसने मुझे हयात में मिला और बाद वफात मिला दोनों बराबर है मिलना और आगे चलिए हुजूर पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंद है मोमिन मुझ पर सलाम भेजता है मुझ पर दुरूद भेजता है तो मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूँ अब ख़्यामत तक क्यामत छोड़ो एक ही दिन का हिसाब ले लो एक ही दिन में 24 घंटे में दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से हज़ारों लाखों लोग सलाम भेजते हैं दुरुद भेजते हैं हुजूर उनका दुरुद सलाम सुनते हैं जवाब इनायत फरमाते हैं फिर ये भी इर्शाद फरमाया दुर्द पढ़ने वाले के पास एक फर... हर एक के पास एक फरिश्ता मुकर है जब वो बंदा हजूर सल्लम पर दुरुद भेजता है सलाम भेजता है तो उसी उसीमहे वो फरिश्ता हजूर पल्लि व्लम की खिदमत में पहुँचता है और अर्ज़ करता है फ़लाँ बिन फलाने ने फला मुकाम से फ़ला मुल्क से फ़लाँ शहर से फ़ला देहात से फला घर से, से आप पर सलाम भेजा है इधर पढ़ता हो उधर पहुँचाता इधर पढ़ता आप सौ बार पढ़ रहा कोई आदमी दुरू शरीफ सौ बार पढ़ा वो फरिश्ता सौ बार जा रहा हज़ू पाक सलातम के पास ऐसे लाखों फरिश्ते खाल सलाम पहुँचा रहे हैं और लाखों को सजूर सलामों का जवाब भी पहुँचा रहे हैं खुद भी सुनकर पहुँचा रहे हैं मलायका जो पहुँचा रहे हैं उनके जरिए भी पहुँचा रहे हैं हयात और ममात दोनों बराबर हैं हयात है अलग ममात अलग नहीं हैं वो तो अल्लाह ने जो फायदा मुकर किया है उसकी पासदारी में सबको सोना हैदराबाद का एक वाक़ है यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं हजरत मुशादिल रमोत ला ते तकरीब सौ सवा सौ साल का है बहुत पुराना वाक़ा नहीं है सौ साल के अंदर बाहर या सवा सौ साल एक साहब वहाँ रहते थे जो उस बारगाह में रहते थे नमाज़ पढ़ते थे वहीं कोई कुछ दिए तो खा लेते थे मगर उनकी एक कैफियत थी दरगाह शरीफ होने की वजह से लोग ज़ायरीन भी आते जाते थे और एक छोटा सा ख़ब्रस्तान भी है कोई इंतक़ाल कर जाता वहाँ पे उसको तदफ़ीन के लिए लाते नमाज़ पढ़ा जनाजा अदा की जाती है वहाँ तदफ़ीन होती मैं जिस साहब का जिक्र कर रहा हूँ वो साहब जब कोई मैयत मंगल के दिन आती तो उनकी आदत थी मंगल हाँ आखो बोलते थे मंगल को मरा तो आखो बोलते थे अब उनको क्या था नहीं मालूम हुआ ये कि उनका इंतखा तो मंगल के दिन हो गया लोग हसब मामूल जो तरीका है शरीयत का वसूल दिए कफन पिनाए अब नमाज जनाजा पढ़ना है हाजिर इनमें से एक शख्स बोला अरे ये हजरत तो मंगल को जो मरा उसको आख थो बोलते थे उन्होंने खुद मंगल को मरे बोलते मुर्दा उठ के बैठ गया होगा मंगल है उठ के बार आज मंगल है अब शोर बरपा हो गया हंगामा हो गया उनमें से कोई बुजुर्ग उठे और उनसे बोले शाह साहब हजूर पाक अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आप भी सो जाइए उठ के क्यों बैठे फौरिस सो गए जनाब औरंगज़ेब जो मशहूर हैं मुग़ल बादशाह उनकी थ्योरी में मैं नहीं जाता उनकी विलायत साबित करते लोग इन वाक़ से अब जो बयान करूँगा उनकी कोई विलायत नहीं है उन्हों और उनका जो ऊपर के बाप दादा हैं उनमें एक अकबर है दादा उसको भी अलिया अल्लाह से एक तरह का माजल्ला कद नहीं बोलना चाहिए बल्कि ये हसद पैदा हो गया था कि लोग अल्लाह के पास चले जाते मज़ारों पे जाके झुक जाते वली के पास हमारे पास कोई नहीं आता झुकता हमारी मुखालिफत होती फला फला औरंगज़ेब को भी यही परेशानी लाक थी फटे पुराने कपड़ों वाले के पास जाके झुक जा रहे हैं सादात है ताज़ीम कर रहे हैं मगर हमारी ताज़ीम ऐसी नहीं करते हैं तो इन्हों क्या करते थे हिमाकत करते थे ये साहब औरंगज़ेब साहब वो ये हिमाक़त थी उनकी के ख़बरों पे जाते बुज़ुर्ग कोई मशहूर बुज़ुर्ग हैं गरीब नवाज़ हैं महबूब इलाही हैं इस तरह जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं ख़ास तौर पे वहाँ जाने के बाद ये हरकत करते थे जाके वालेकुम सलाम करते थे और उनका ये बात मशहूर है अगर उस खबर से जहाँ इन्होंने सलाम किया है अगर जवाब नहीं आया वो ख़बर खुदा देते थे कई मकाम पर ऐसा हुआ है ग़रीब नवाज़ के पास भी ऐसी हरकत उन्होंने की आगे बोलने से पहले इनकी करामत विलायत साबित करने से पहले मैं पूछूंगा कि हम अहले सुन्नत जमात जब कोई बात करते हैं तो कहाँ हुजूर की सीरत में कहा लिखा हुआ है कुरान में कहा लिखा हुआ है हदीस में कहाँ आया सहाबा के पास कहाँ है तो औरंगज़ेब का ये अमल कहीं कुरान मजीद से मिलता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है अहले बैत की सहाबा की सुन्नतों से मिलता है किसी से नहीं इनको दिल में कद था ये मेरे सामने नहीं झुकते वहाँ जा झुकते लिहाजा खबर उनको मालूम था खबर में से तो मुर्दा बात नहीं करता लिहाजा जवाब नहीं आएगा खुद दूंगा लेकिन चंद खबूर से जवाब आता था हेवत के मारे कुछ भी सनद लिख दे तो कोई तांबे पे लिख दिए उसके कोई पत्थर को पे लिख दिए एक सनद दे दिए जागीर दे दिए जान छुड़ाने के वास्ते कोई पलट के ना पूछे वो करामत तो साहेब मजार की थी औरंगजेब की कैसा होती ये मुफ्त में गैर मसनून तरीक़े से अलिया को सताकर अपनी शोहरत कराता था यह शख्स होगा क्या था आपने हमको मालूम सबको मालूम है लेकिन मैं नए पहलू पर बात कर रहा हूँ यहाँ हैदराबाद से चंद सत्तर अस्सी किलोमीटर है शायद एक मुक़ाम है भुवनगिर है या क्या है नाम याद आ जाए तो मैं बोलूँगा वहाँ पर एक बुज़ुर्ग है उनका नाम है पलंगपोश पोश एक मकाम पर वो ऐसी दफन किया उनको कि उनके कुछ उनकी वसीयत थी कि मैं जब मर जाऊं तो गसल वग़ैरह देकर कफ़न देकर नमाज जनाजा पढ़ाकर मैं जहां रहता हूं उस कमरे में वो चारपाई समेत वहां पे रख देना ख़बर खोद के अंदर दफन नहीं करना जो दीवाने उठी हुई हैं जो दरवाज़ा है वो बंद कर देना जमीन के ऊपर खबर हो गई छत भी जो है गज की उसकी जो भी थी लोग वैसा ही कर दिए तो जो कोई आता फातेहा पढ़ता और फूल मज़ार पे चढ़ाने के बजाय मजार में कमरा था कमरे पे डाल देते थे जनाब औरंगजेब वहां पहुंचे देखे बोले ये क्या मामला है ये क्या है लोग बोले खबर है कैसा है ये ऐसा है जमीन के ऊपर कैसा खबर रहती तोड़ो इसको बोले तोड़े तो पलंग पे मैयत रखी हुई है आराम फरमा रहे हैं हज़रत, बोले फ़ौरी इनको गसल दियो कपड़े बदलो उनका कफ़न बदलो और ख़बर खो दो नमाज जनाजा पढ़ा के फिर दफन कर दो चूँकि ख़बर से अगर किसी मैत को निकाला जाए तो फिर गसल और उसकी नमाज जनादा भी पढ़ना पड़ता है हज़रतबला मुराद औरंगज़ेब ख़बर खुदा के वो बुजुर्ग को दफन कर दिए अब औरंगजेब चले गए अपनी मुहिम पे जो मुहिम थी रात हुई हजरत जो मरहूम थे फिर वह जमीन के ऊपर चारपाई के ऊपर आ गए उन्होंने खबर में से बाहर ही नहीं आए बल्कि चारपाई पे आ गए लोग जो देखे तो फिर पहले के जैसा कमरा बना दिए यानी खबर जमीन के ऊपर औरंगज़ेब जब वापस हुए देखो तो फिर कमरा बना हुआ है लोग डाल रहे हैं उसके ऊपर बोले ये क्या है तो बोले नहीं उन्होंने ख़बर में से बाहर निकल गए थे फिर आके ऊपर लेट गए हाँ ऐसा फिर ख़बर खोदो तोड़ो कमरा फिर ख़बर खो कमरा तोड़े मैयत को जो है फिर वसूल दिए कफन पिनाए नमाजा जमा नमाज जनाजा पढ़ के दोबारा खबर खोद के दफन कर दिए हज़रतबला औरंगज़ेब फिर चले गए दूसरी तरफ फिर चंद महीनों के बाद गुजर हुआ तो फिर वो इस कमरा मौजूद है हजरत फिर बाहर आ गए औरंगजेब फिर उनको जो है वसूल दे के कफन पिना के नमाज जाना पड़े फिर दफन करे खोद के चले गए औरंगजेब फिर वापिस आए तो उनकी मैयत फिर बाहर आ गए लोग कमरा फिर बना दिए <coughs> आने के बाद देखिए औरंगजेब पूछे ये क्या है तो बोले नहीं हज़रत बाहर आ गए थे हाँ बाहर आ गए तोड़ो फिर कमरा तोड़ दिए मैयत निकली सुनने की बात है मजाक नहीं है सुनो इफ्राती एक्सट्रीमिस्ट जुरात, जुरत मुराद बेअदब उसको बोलते हैं बेअदब तनहा न खुदरा दो बात बल्कि आतिश दर हम और बेअदब बेअब तनहा बेअब नहीं रहता आफाक में आग लगा देता हॉराइज में मशीर ऐसा ज़मीन और आसमान मिलता हुआ किनारा जो रहता है उसको ह्राइजन कहते हैं उफ कहते हैं उसको तमाम तरफ जमा कर लिए तो आफाक बेअदब सारी आफाक में आग लगा देता है खैर औरंगज़ेब उस्मत को फिर से गौसल दिया गया कफन पिनाया गया नमाज जनाजा पड़ी गई अब ख़बर तैयार उसके बाद ये औरंगजेब बादशाह था होशार आदमी था आ, अपनी हवा जमाने काम करता था यह सब अब मैय को ख़बर में उतारे उतारने के बाद ख़बर से मुखातिब है मौसूफ शाह साहब या जो लफ्ज़ बोले उन्होंने शाह साहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि ज़मीन में आराम फरमा रहे हैं आप उनकी इतबा में यहीं सो जाइए बाहर नहीं आना खबर बंद कर दिए आज तक बंद खबर है क्या हो गया अल्लाह ताला दोस्त बनाया गला देता सड़ा देता अल्लाह की दोस्ती इतनी छह तुम अपनी दोस्ती के गाने गाते नग़मे पढ़ते अल्लाह की दोस्ती अल्लाह जिसको दोस्त बनाता है उसको ज़रा नहीं पहुँचने देता लाख व्याँ जनून उन्हें ज़िंदा रहा तो भी वही है, इंतकाल हो गया तो भी वही है तो अब हम यहाँ तक पहुँचे कि हुज़ूर पाक वसल्लम ने हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तुके पास जो आपके खुलाफा रशन है उनमें से दो को भेजा अब यहाँ पर वो इसकी तफसील तो मैं इतनी बयान कर देता हूँ हजूर ने फरमाया जाओ उनसे मिलो और उनका हुलिया भी बताया और फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए उनसे दुआ करवाओ चुन उमर रजी लन बद वफात पैगम्बर बेमक्म उन्होंने फारुक़ल्ला हजूर सल वफ़ात शरीफ़ा के बाद मक् मकरमा को आए अमीर-ul-mominin वमीरमोमिनली करमल वजह बाजरतली उनके साथ थे अंदर मिया ने खुत खुतब खुतबे के दरमियान गफ्त फरमाया या अहिल नजत कमों जो इस जुमा का दिन रहा होगा खुतबे की जो बात आ रही है इस मजमे में जो अहिल नजद हैं वोट खड़े हों अहले नजद बर्खास्त अहले नजद खड़े हो गए गुफ्त आपने फरमाया, अस फरमायान कसीहा मिया ने शुमा ये जो नजद वाले खड़े रहे उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे दरमियान कोई शख्स कर्न का रहने वाला है गुफ्तन बले उन्होंने उनमें से लोग कुछ लोगों ने कहा हाँ कर्न से है आदमी हैं कौमी रदू फिर एक जमयत को एक कौम को यानि चंद लोगों को उनके साथ रवाना किया उमर रज़िलान हूँ खबर है वैस अजीशान बुरशी वहाँ पहुँच कर हजरत कर्नी का पता दरियाफ़ किए पूछ तो लोगों ने कहा दीवान हाज ये दीवानी एक दीवाना है।, है जो ओएस है ओवैस नाम के अंदर आबादी और नया आमाद वो ओवैस जिसका नाम है वो आबादियों में नहीं आता है बाकस सोहबत न कुनत किसी से बात नहीं करता है अनच मरदमान्रन ना खुर जो लोग खाते हैं वो वो खाना नहीं खाता है गम ना दाना वो खुशी गम और ख़ुशी नहीं जानता है चुन मार्दुम, चुन मारदमान बानदान जब लोग हंसते हैं वो बरियात वो रोता है चुन बेगरिया जब लोग रोते हैं ऊब ख़ानदान वो, वो हंसता है उमर गफ्त वही रोमी खाम मैं उनसे मिलना चाहता हूँ गुफ्त बहरास्त उन्होंने कहा कि वो सहरा में हैं बेनज़दीक के उस ने माँ हमारे ऊँटों के पास वो शख्स है अब यहाँ इबारत रोक के मैं कहता हूँ जो लोग खाते हैं वो नहीं खाता है लोग फेंक देते हैं दूसरे किताबों में भी आया वो खा लेते थे लेकिन लोग जो खाते वो नहीं खाते थे जब आबादियों से दूर रहते थे अब इसका नाम ये इफराती 200 साल के इफराती जो साहेब जसारत जुरत जैसा इबलिस ने अल्लाह के सामने जुरत की थी ये रसुल्ला की शान में जुरत करते हैं औलिया की शान में जुरत करते हैं वो लोग ये कहते हैं भाई ये जंगलों में रहना क्या है क्या है हुजूर की सुन्नत बोलते कहाँ लिखा हुआ है रहना बोल के अरे कहाँ लिखा हुआ है ना हुजूर खुद आ रहे ही रहा मेरे और कहाँ लिखा हुआ है ना तुम्हारे को बाद में कोई करे कितने आज भी है तुमको ना सहरा मालूम है नलिया अल्लाह का पता मालूम है सिर्फ एतराज करना मालूम है इतना तंस्करों बेकार है कोई फायदा नहीं है तुम वो खाते हो जिसने इस इस्लाम ने हुक्म दिया कि ये खाओ हलाल खाओ कसब हलाल से खाओ और वो दावत कबूल करो जो कसब हलाल की है मालूम हो अगर किसी का शुबा है तो उसमें मत जाओ लेकिन करोड़ों लोगों को आप लोग कौन सा खाना खिला रहे हैं कि क्या नहीं की कोई हफ़्ता भर जा रहा है जमात में कोई महीना भर जा रहा कोई चालीस दिन जा रहा कोई छः महीने जा रहा कोई साल भर जा रहा अमेरिका अमरीका का टिकट भी दे रहे हैं इंग्लैंड का टिकट भी दे रहे हैं खाना भी दे रहे हैं कपड़ा भी दे रहे हैं घर को भी माल दे रहे हैं कौन है ये दस्त गैब मुशतबा खाना ये लुकमा हराम है और लोग हमसे सवाल करते हैं कि साहब ये जमात में गए बात फिर हमारी तरफ आता ही नहीं उन्हें उनका ही दीवाना हो जाता वो एक चीज़ है वो ये है जब हराम लुखमा उसके पेट में चला जाता है तो हिदायत की बात कबूल करता ही नहीं इसलिए वहाँ ले जाकर वो खाना खिलाते हैं उसकी तासीर ख़राब होती है लुखमे की तासीर पे अलग बहस हो जाएगी तो आप खाते क्या थे जो लोग खाते वो नहीं खाते थे दरख्तों के पत्ते भी आया है दरख्तों के फल भी आया है लोग जो फेंक देते हैं तो सूफिया ऐसा ही तरीक़ा अख्तियार किया है इनके तरीक़े पे तुम क्या इतराज़ कर सकते जिनकी खिदमत में रसुल पाक अलैहि वसल्लम ने अपने दो खलफा को रवाना फरमाया और ये भी फरमाया कि जाओ मेरा सलाम पहुँचाओ और मेरी उम्मत की शिफात की दरख्वास्त करो उनको खुशी और गम का पता नहीं है लोग हंसते हैं तो वो रोता है लोग रोते हैं तो हंसता है आप उससे उनसे मिलने के लिए पता पूछा तो लोगों ने कहा कि हमारे ऊँटों के पास सहरा में है अमीर रज़ीम बरखास्तन दोनों अमीर उमर फ़ारूक़ रजी हजरतली रजी उठे अब बे नज़दीक वही शुदन उनके नज़दीक पहुंचे वैरा याफ्तन उनको पाया उन्होंने अंदर नमाज वो नमाज पढ़ रहे थे जब पहुँचे तो नमाज बनशिस्तान उनके पास बैठ गया था फारिख शुद जब तक कि वो नमाज से फारिख ना हो जब तक बैठे रहे जब फारिख हो गए तो बर ईशान सलाम गोफ चूँकि रसोल्ला वसम ने उन उनके पास सलाम का हलवा भेजा था अब यहाँ से जुमला कट के किधर जा रहा है वही नशा ने पहलू व दस्त बदिशा नमूद जब सलाम पहुंचाया हुजूर का तो उन्होंने अपने पहलू का निशान उनको बताया और उनके लेफ्ट हैंड पे जो निशान था वो भी बतला दिया कैसी हैरत की बात है ऐशान मालूम गश्त कि जिसके जरिए उनको मालूम हो गया कि अज वही दुआ खास्तान मालूम हो गया यही शख्स है तो उनसे दुआ की दरख्वा की वाल पैगम्बर बेदुर रसानी दन और सलाम पहुंचाया बे दुआ उम्मत वसीयत कर दन और उम्मत के हक़ हाँ में दुआ करने की उन्होंने ख्वाहिश की अब वसियत यहाँ पर ख्वाहिश होगी व ज़मानी पीछे वही बेबुदन और कुछ देर तक कुछ वक्त तक उनके पास बैठे रहे तो गफ़ यहाँ तक के वैसे क़ारन रज से कहा रंज आ, रंज गश्ती आप लोग बहुत तकलीफ़ उठाए आपने तकलीफ़ उठाई रंज उठाना तकलीफ़ उठाना अकन बॉज़ गर्दीद अब चले जाइए कि कियामत नज़दीको कियामत बहुत नज़दीक है आनगा हमारा आंजा दीदार बोअ हमारा वहाँ पर दीदार होगा हमारी मुलाकात होगी दीदार आज बहुत मुद्दत से दीदार नहीं हुए मैंने मुलाकात नहीं हुई वहाँ मुलाकात होगी कि आन रहा बस गश्ती न बौश वहाँ अलबत्त जाने के बाद वहाँ से पलट कर कोई नहीं आता बाज़ गश्ती नहीं है वहाँ से मन अकनूब साख्ता ने बरगेमत नज़ुल्म मैं ख़्यामत में पहुंचने यानी वो रास्ता तय करके जाना है जब कहीं जाना है एक मक़ाम से दूसरे मुक़ाम तो, तोशा बनना पड़ता है रास्ते में खाने के वास्ते जो ज़रूरत पड़ती है उड़ने बिछाने ये वो तो उन्होंने फ़रमाया कि मैंमत के रास्ते पर चलने के लिए यानि तो शाह बनाने में मसरूफ हूँ ये तमाम बातें याद रखना है जरूरी है सूफिया के लिए कि रिजवानुल्लाह रिजवान अहले सुफा को देख लिए भूखे प्यासे रहते थे साहबा की कैफियतें देख लिए अहले बैत की कैफियतें देख लिए अब ताबैन की कैफियत देखिए मैं उस उसियामत का जो रास्ता है उसके तोशे के लिए उसके टिफ़िन के वास्ते बनाने में मसरूफ़ हूँ चुन अहल कार बॉस गाश्तान जब अहल कारन जो वहाँ तक आए थे हजरत मज़िलानों के साथ हजरत अली के साथ वो फिर वापस गए पूरा हरमती व पदी दौरान हजरत हसन बसरी रज़ी अल्ला की हरमत इज्जत और बुजुर्गी मर्तबा ज़ाहिर हुआ लोगों पर मर्तबा जाहिर हुआ कि उनका कैसा मर्तबा है लोगों को पता चला कि अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया है खुलफा राशिदीन को भेजा है और सलाम भेजा है उम्मत के हक में दुआ करने की दरख्वास्त हुजूर ने की कैसा मर्तबा है इसके रुमूज़ अकल में नहीं आने वाली चीज़ें हैं क्या हुजूर की शिफात काफ़ी नहीं है हुजूर की दुआ काफ़ी नहीं है इन एक्सट्रीमिस्ट ये दो सौ साल के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और आइंदा भी आते रहेंगे ये इफ़राती जो हैं ये मुनकरीन जो हैं बुजुर्गों की बुजुर्गी का इनकार करने वाले यहाँ तक के लिखे अल्लाह के नज़दीक ऐसा आदमी वैसा आदमी उससे बड़े से बड़ा फ़लॉँ से फला चूड़े चमार से बदतर है बोले ये असल में जो जिस मर्तबे का रहता है वो मर्तबे की बात करता है जो बदतर होता है बदतर कहता है चुनाचे आपके बयान के मुताबिक हजरत खाजा ओसे कर्न रज़ी अल्लाह का मरतबा जाहिर करवाने के लिए अहल खरन को मालूम हो जाए वो वजाहिर अहल कर्न को मालूम हो जाए बात इनमें तामत आने वालों को बतला दिया जाए कि कौन है आ, आ वो ऐसे करनी कौन है क्या किसी साहबी से हुजूर ने कभी फरमाया मेरी उम्म कैसे दुआ करो मैं तो नहीं पढ़ा पढ़े तो आप लोग बताइए मुकाम मरतबा कोई नबी दुआ नहीं करवा रहा इन दुआ करवा रहा है वली का मुकाम बतलाना चाहता है अल्लाह इज़्ज़त जाहिर करना चाहता है लोगों पर आपकी हरमत और आपका जाहो मर्तबा जाहिर हुआ अंदर मियान ईशान वही अजानजा बेराफ्त इस दरमियान में वहाँ से उठकर वो चले गए व बेकूफ़ आमाद और कोफा पहुँच गए हरम बिन हयान वरा रोज़ी बदीद हरम बिन बयान रजी जो ये भी ताबई हैं उन्होंने एक रोज़ व्वाजा उसे क़रनी को देखा असपान हीचक न दीदश उसके बाद किसी शख्स ने ओस क़रनी रजी को कभी भी नहीं देखा तब वक्त अली फ़तन रूब अमीरमिनली करमल्जाआनगा बमद जब हज़रत अली हज़रतली करमल वजी तु के ज़माने में फ़ितने बढ़ चुके थे और जंगें चल रही थी उस वक्त हजरत ख्वाजा से कर्नी रजी ज़ाहिर हुए वर्मा मुआाफ़त अमीरमौमिन करमल्जू हजरतली करमल वजह की मवाफिकत तो, में आपके साथ बा है वही हजरत अली के दुश्मनों से रोज़ हरब सिफ़ीन जंग हम ही की जंग के दिन अली के यहाँ आधा लिखा हुआ है तर्जुमा कर रहा हूँ अली के दुश्मनों के साथ सिफीन की जंग में आप शामिल हुए हरब में शामिल हुए तारूज़ सिफीन यहाँ तक के सिफीन के रोज़ उस जंग के दिन शहादत या शहीद हुए कितने मसले तय होते हैं करो पता चलेगा मैं तफसील नहीं बयान करना चाहूँगा बिल्कुल नहीं लेकिन हजरत अली की तरफ से लड़े और शहीद हुए कौन बोला था वहाँ पे रही जाओ बोल के आए जब हजरत अली को जब देखा उमर फारूक न देखा फिर उसके बाद अब जाहिर हुए देरवाज नो कनेक्टिविटी थी न मखलूक से मिलते ही नहीं थे तनह रहते थे दुनिया में क्या हो रहा किस कुछ पता नहीं लेकिन वक्त पे पहुँच गए चलिए हम आगे चलते हैं आप नतज आप निकाल लीजिए अमीर बर मवाफ़िकत अमीर तो अली करमल जो अमीरमी अली करमलू जो की मवाफ़िकत में उनके साथ में के दुश्मनों के साथ सिफ़ीन की जंग में शरीक हुए सिफीन के दिन शहादत पाई तो आशा हमीदन व माता शहीदन रफ़ी उन्होंने आ, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी पाक जिंदगी गुजारी हमीद मैंने पाक साफ अच्छा काबिल तारीफ़ माता शहीद और वो शहीद शहादत की मौत पाए अजब रिवायत और टाइम होगा क्या अजब रिवायत और उनसे एक रिवायत बयान की जाती है गोफ्त असलामत फिलवादती सलामत अंदर तन्हाई बुवाद अकेले रहने में तन्हाई में सलामती है अजांच दिल कसी के तन्हा बुवाद वो शख्स जिसका दिल तन्हा हो अज अंदीशे गैर रस्ते बौशद गैर के अंदिशे से गैर के ख़्याल से गैर के तस्वर से गैर की फ़िक्र से जो आज़ाद हो वो तन है उसका नाम वह अंदर जुमले अहवाल और तमाम अहवाल में दिलश असल नीद गश्ते तमाम अहवाल में मखलूक से नाउद हो जाए तवाज़ तो जमल आफतीशान सलामत याफ्त बहुशाद मखलूक़ से नाउद हो जाए यहाँ तक किुमल आफाशा उनकी तमाम आफतों से यानि लोगों की आफत ज़माने की आफत वक्त की आफत आफत ज़ ज़मान इससे सलामती पा जाता है रु अजीत जुमले ई ईशान बर तोहफते लोगों से अपना चेहरा जो मोड़ ले अम्मा अगर कसी पिंद रत अगर कोई ये गुमान करता है कि वहदत स्तन तनगवाद वहदत के माने अकेले ज़िंदगी गुजारना है माहौल बाशद ये माहौल है अकेले रहना तनाई नहीं है अकेले रहना महाल है ता शैतान रिल कशीस सोहबत बवाद जो ऐसा रहेगा तना तो शैतान उसके दिल का साथ ही रहेगा गुफ्तगु करता रहेगा वह नफ्स रो अंदर सदर भई और नफ्स उसके सीने में बात करता रहेगा सुल्तानी बवाद और उस पर गलबा करेगा ता दुनिया व अखबारो बेफ़िक्रत वही गुज़ार गुज़र वंदीशे खाल बरसरे वही गुज़र बोत और ये है कि यहाँ तक दुनिया और उसकी ओबा कि उसकी फ़िक्र से गुज़र जाए अजंदीश ख्याल और लोगों की फ़िक्र से लोगों के ख़्याल से उससे भी गुज़र जाए हनुज वदत नबाशत इसके बावजूद भी वहदत नहीं होती है ज़ीरा इस वास्ते से कि आंच ऐन चीज़ और बहशाद वो ये है कि आराम की जो ऐन आराम है वो चीज़ क्या है वज बंदिश है आन हर दो यकी बहशाद उसकी जो सूरत है ये है कि इन दो में से एक हो पस आन के पस ये है कि वही बहुत वो तन्हा रहे अगरचे सहबत कुना अगरचे के लोगों से बात करता रहे लेकिन तन्हा रहे इसको खिलवत दर अंजुमन कहते हैं सूफिया लोगों में है मगर तन्हा है सोहबत मजा वहदत वही नबाशद लोगों से मिलना जुलना उनकी तन्हाई पर असर अंदाज नहीं होता रिजाला तजारत लोग हैं रिजाल हैं खासान खुदा हैं वो तजारत करना उनको मुतासर नहीं करता उनको परेशान नहीं करता अल्लाह के जिक्र से दूरी नहीं होती है उनको ये वही बात है काम चाहे कुछ भी करते रहो लेकिन अल्लाह से लौ लगी हुई रहती है वो तन्हा रहता है लोगों के दरमियान रहता है मगर तन्हा रहता है ये ऐन आराम है एक सूरत तो यह है कि तन्हा रहे अगरचे सोबत कन तो अगरचे के लोगों से मुलाकात करता रहे सोबत मज़ा में वहदत है, वही नबाशत और लोगों से मेल जोल करना बात करना वहदत के ख़िलाफ़ नहीं होता है अगरचे मशगोल बहुशात अगरचे क्यों मशग़ूल हो नहीं जुमला जम्प हो गया अगरचे सोहबत कुत तो लोगों के साथत मज़ा वहदत वही नाश लोगों से मिलना है उसको तन्हाई से मज़ा नहीं होता रुकावट नहीं बनता है अगर मशगोल बौद्ध मशग़ूल भी हो तो कुछ नहीं होता है अगर उजलत कत अगर तन्हाई अख्तियार करे उजलत सबब फ़रागत वही न गर्दत उसका तनह रहना फरागत का सबब भी नहीं होता है पस इन खता पस इनखताज इन्स ज पस इनखता आज जज़ उन बोशात इंस पढ़ना इंस पढ़ना मैं इस पर गौर नहीं किया बस खिता उन मोहब्बत सिवाए मोहब्बत के नहीं हो सकती है मुनखते होने के लिए उनस बहुत ज़रूरी है बाहख उनस उन वो लोग जिनको के हक़ से उनस हो उनसे मोहब्बत हो मुखालफ उनसे वही मुजरत नकुन ऐसे लोगों का मुखालत है मुखालत पढ़ दिया मैं मुखालत मेल जोल उनका उनको नुक़सान नहीं पहुँचाता है वह अनरा के मुआनसत उन्स बवाद और वो लोग जिनको के मोहब्बत होती है ऊंस होता है ओंस रॉ बार दिलश गुजरना बहुत शायद और मोहब्बत का उनके दिल पर असर भी नहीं होता मतलब ये है कि मेल जोल उनको ज़र्र नहीं पहुँचाता है लोगों से मोहब्बत करना भी ज़रूर नहीं पहुंचाता है लोगों से मिल भी नहीं उनके दिल पर यह बात पहुंचती ही नहीं है गुजरती नहीं वो वैरा आज उन से हक़ हाँ। और उनको हक़ के उनसे, उनकी मोहब्बत से उसकी वजह से मतलब अल्लाह से की वजह से किसी और चीज़ की उनको ख़बर नहीं होती है वहदत ले समिया आब्दिन शवाफ़िन समय अल्लाह तिकाफिन आब्दा फरमाया के वहदत बंदे की एक सिफत है तन्हा रहना और उनके सफाए बातिन की दलील बनती है अल्लाह ने फरमाया, तरशाद फरमाए क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है जब काफी है तो फिर डर की क्या बात है तो ये वो इंतहाई मुकाम है ये हर आदमी के बस का रोग नहीं है लेकिन इस राह के चलने की ज़रूरत है अगर अगरचि वो मरतबे को ना पहुंचे तन्हाई हफ्ते में महीने में पंद्रह दिन में तन्हाई ज़रूर अख्तियार करे ये रास्ता चला करे मैं इससे पहले भी मिसाल दिया था कि इस राह पे चलने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने हज को जाने के लिए अहराम बांधा और कुछ दूर चला कुछ मंजिल चला इंतकाल हो गया तो तोयामत तक वो हज करता रहेगा अगर वो घर से भी नहीं निकला अहराम बना नियत कर लिया मौत आ गई हमेशा सफ़र करता रहेगा हज को जाता रहेगा क़्यामत तक हज़ियों में हर साल उसका नाम रहेगा ये जो राह है खुदा में चलने वाले हैं इस राह में चलने वाले हैं चल रहे हैं बहुत आ गई तो मंजिल पे ना पहुँचें तब भी भी अल्लाह ताला उनको हर रोज़ मंजिल पे पहुँचाएगा ये तरीक़ा किसका है ख्वाजा ओवैस करनी रजी का यहाँ रोक के बात खत्म करते हुए मैं ये कहूँगा कि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है ये एक एक छोटे छोटे स्टेट जो हैं हिंदुस्तान के पाकिस्तान के जो स्टेट हैं आपको 10, 20, पच्चीस अलियाल ऐसे मिल जाएंगे जो तन्हाई में रहते हैं जिंदगी ऐसी गुजारी है बाबा फरीद गंज शेकर हैं हजरत सुल्तान बाहू रहम्ता हैं खुद होश पाक मैंने चौबीस बरस ऐसे गुजारे सहराओं में कि न मैं किसी को जानता था न कोई मुझे जानता था करीब नवाज़ की भी ऐसी रियाजत सैद अहमद कबीर रफाई रम् तमाम अल्लाह की ये कैफियत रही ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ग़ार हिर में आप तशरीफ़ फरमा होते और महीनों वहाँ गुजारते। हज़रत गुजारतेमुलमिनज़रतजतुलकब्र रजील् तत्तु जो का सत्तू खजूर और पानी पहुँचाया करते एक अंदाजा के ख़त्म हो गए होंगे तो पहुँचाते थे तो आपने जो तन्हाई में हुजूर ने वो वक्त गुज़ारा उसकी मुद्दत इमाम गजाले की तहरीरात में आई आया है कि वो शायद कुछ नौ साल का कुछ अरसा है मुख्तलिफ बीच में उसमें ब्रेक भी आते रहे तवील तरीन जो कंटिन्यू है नौ महीने से ज़्यादा का वक्त है ये अल्लाह से क़ौरब इससे होता है जब अल्लाह खरीद कर लेता है पसंद कर लेता है मनतखब कर लेता है उस बंदे को ज़िम्मेदारी अता करता है जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िम्मेदारी अता फरमाई कि जाओ लोगों की हिदायत करो क़्यामत तक आपका नाम लेना वाला हिदायत याफ़्ता रहेगा आपके माजल्ला आय जोई करने वाला कभी हिदायत नहीं पा सकता है हमारे जैसे ही बशर थे फौजू सल्लम से पहले की उम्मतों में भी ऐसा कहालू उन लोगों ने कहा अब शरों यादून माजल ने हाथ उठा दिया क्या ये बशर हिदायत हमारी हिदायत करेगा कॉलू अब शरों याहादून ना अल्लाह ने फरमाया फरु बशर बोले तो काफ़र हो गए अब ये जो मुसलमान है वायद पढ़ के बोलते बशर थे वायद पढ़ के बशर तो वो उनकी बशरियत ये बशरियत दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ है ये जो मशोरकिन का कुफार का जो खौल है अम्बिया के मुखालफिन के खौल को तुम दोहराते हो इससे तुम गुमराही बढ़ती है यहाँ पर ये जो सहराओं में तन्हाई में गुजारना और बियाबानों में गारों में अलिया अल्लाह ने रियाजतें की हैं हुजूर की सुन्नत पर एक बार जब अल्लाह ने उनको उनको सनद अता कर दी जाओ तुम आबादियों में जाओ और लोगों के लिए हिदायत का काम करो ओसपाक को रवाना किया अरीब नवाज को रवाना किया और बहुत से ओलिया अल्लाह के तस्करे हैं कि अल्लाह ने फरमाया उठो अब यहाँ जाओ अब काम करो मखलूक़ में रहो अब तो मखलूक में रहना उनको खुदा से दूर नहीं करता है जबकि तन्हाई कुछ और थी अब की तन्हाई कुछ और है लोगों के दरमियान भी रह कर तन्हा है उसको खलवत दर अंजुमन कहते हैं लोगों के दरमियान है लोगों से कटे हुए हैं लेकिन दिमाग पूरा सारी दुनिया में है तो ये खलवत दर अंजुमन आपकी तन्हाई है लेकिन उसमें हैं आप लोगों के दरमियान है सारे बखेड़े आपके साथ हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अब हम जो यहाँ से मौजूद चल रहे हैं वो तमाम के तमाम हजूर की सुन्नत के मुताबिक हैं, बैत की सुन्नत के मुताबिक हैं ताबिन की सुन्नत के मुताबिक हैं तब तब ताबीन की सुन्नत के मुताबिक है अल्लाह इनसे राजी है वो अल्लाह से राजी हैं उनका रास्ता चलना हमारा काम है अल्लाह हमको हिदायत के रास्ते पर चलाए जब इनके रास्ते पर चलते हैं तो हिदायत के रास्ते पर चल रहे हैं अगर हट गए तो हिदायत से हट गए गुस्ताखी करना और जुरतमंदी हुजूर की शाम जुरत अल्लाह के में भी जुरत कर दिए ऐब होता तो ऐसा होता था हजबिल्ला तो ये ऐब जो अल्लाह की जो ही करने वालों का जो फिर है वो इफराती वो एक्सट्रीमिस्ट वो आसमान में आसमानों में इब्लिस जुरत किया था मौलू फरमाया धक्के देके निकाल दिया गया ऐसा क़्यामत तक लानत का तोह पड़ गया दुनिया में भी एक ऐसा लानती है जो इबली से सानी है अब नाम उसका बहुत बार ले लिया अब नहीं लेता ये आज दुनिया में सारे फसाद वो इबली से सानी की वजह से है वो सबको काफिर करार दे देते सबको मछर खरार दे देते जो कुरान पढ़ा तो मछर को नहीं देते नहीं शिरक है हमने अरे कुरान अगर शिरक है तो ईमान क्या है तेरा ट्रांसलेशन है अबुललाद्दी का तर्जुमा पढ़ना हिदायत है सुरफ़ पढ़ना हिदायत नहीं है खुलाबूला खुलाअ मोहम्मद पढ़ना शिरक़ है तो ईमान क्या है तेरे इब्लिस का भजन गाना है चलिए भाइयों चलिए भाइयों दुनिया तो लगी हुई है अरे कहाँ लेके जा रहा हराम खिलाने के वास्ते सारी दुनिया को गुमराह कर दिए अब जो परेशानियाँ आ रहे हैं इससे मुसलमान नहीं निकल सकते हैं तब तक के कि, कि वो लुमा ना छोड़ दें लुमा छुटेगा और तबाह करेंगे तो उनकी सोबत का जो बुरा असर है वो दूर हो जाएगा फिर दुनिया में अमन वमान ख़ायम होगा अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी हिफाजत फरमाए हमारी ईमान जान मालू की हिफाजत फरमाए और हिदायत फरमाए किताब का दर्स अलहमद जो, जो कशफुल मजूब शरीफ का दर्स चल रहा है अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ये दर्स हम मुकम्मल कर सकें इसकी तहरीर शक्ल भी हम करना चाहते हैं लेकिन देखता हूँ जितने लेक्चर्स हो गए उसके लिहाज से मैं करने की कोशिश करता हूँ इतना वक्त नहीं मिलता है कभी हिम्मत टूट जाती है बहरहाल आप सबको तो मुबारकबाद दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं और आगे चल रहे हैं हाजिर वैसे खरनी रजी अल्लाह की तरह जो अल्लाह से इनका रास मामला था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सास फैजान था बाद बहुत से अलिया अल्लाह हैं जो किसी के मुरीद ही नहीं होते हैं लेकिन उनको फ़ैज़ान मिलता है ऐसे अलियाल को अवैसी कहते हैं यानी पीर के हाथ पे हाथ रख के बैत नहीं किए पीर के हाथ पे हाथ रख कर या उनके जो दामन पकड़ कर बैत नहीं किए रचालसम से उनको रास फैजाने सैकड़ों ऐसे, इसको ओसी तरीक़ा कहते हैं बैत करने का तरीक़ा तो अहले बैत हैं सहाबा हैं ताबाइन है, है तब ताबीन है फिर बैत दरबात दर बैत दर बैत ये अवैसी तरीक़ा है जिस किसी को नेमत बगैर किसी वली से मिले मिल जाती है तो वो ऐसी तरीक़ा कहलाता है अल्लाह ताला हमको भी ऐसे बरक़ात से नवाजे हमारे सीनों को रोशन फरमाए इस गुमराही के खतरनाक अंधेरों वाले दौर में हमको वो आफ्ताब हिदायत عافا بأمة شمدين وملة آخرين رضي الله تعالى عنه عنه شفاعة صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد و آله